नमस्कार, मैं नागेश गिर आपका स्वागत करता हूँ स्टार्ट अप न्यूज पे। आज हम एक हमारे खास बातचीत के एक दूसरे पर्व में है, एक दूसरे एपिसोड में है, और हमारे साथ बातचीत खास बातचीत करने के लिए आए हैं नितिन कुरेज जी, जो पेशे से एक शिक्षक हैं। उनसे हम बातों का सिलसिला आगे रखेंगे। मैं पहले आपको नितिन कुरेज जी के बारे में थोड़ी सी एक जानकारी देना चाहता हूँ। नितिन कुरेज जी पेशे से शिक्षक है और उन्होंने अब तक काफ़ी अच्छी किताबें लिखी है। एक लेखक का भी उन्होंने लोगों से परिचय कराया और 15 अगस्त को उन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में दो किताब का एक अनावरण किया है जिसका नाम उड़ान और तलाश है। तो हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उड़ान और तलाश और उनके पहले तीन किताब के बारे में नितिन कुरेज जी से। नितिन कुरेज जी, आपका स्टार्टअप न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद नागेश सर। मैं आपको एक उड़ान और एक तलाश, ये जो आपने अभी 15 अगस्त को दो किताब लॉन्च की, मैंने वो किताब देखी है। उसमें बच्चों से आपने एक पिक्चर जैसे मतलब ड्राइंग स्किल का उसमें अच्छा एक डेवलपमेंट दिखा कि ड्राइंग बच्चों ने बनाई और आपने उसका कलेक्शन करके वो किताब को बनाया। लेकिन मैंने आपके पहले भी किताब देखी जिसमें ड्राइंग और लिखावट का पूरा ये था, लेकिन इस बार सिर्फ ड्राइंग क्यों? धन्यवाद नागेश सर। सबसे पहले तो मैं स्टार एफएक्स स्टार का वार न्यूज चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो आपने कहा कि इस बार ड्राइंग कंसेप्ट को क्यों चुना गया, इसके पहले कुछ किताबें आई थी जो मेरे राइटिंग कंसेप्ट पर आधारित थी। एक्चुअल जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो साथ ही साथ बच्चों की जो भी घटनाएं घटित होती है उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, और बच्चों की जब भी ड्राइंग दिखी गई तो उसमें ऐसा लगा कि शायद इस ड्राइंग को और भी निखारा जा सकता है। इसलिए बच्चों की जो ड्राइंग थी इस ड्राइंग को कंसेप्ट चुना गया, और साथ ही ये सिलसिला लगभग पिछले 8 महीने से शुरू हुआ और इस 15 अगस्त पर ये खत्म हुआ। क्या अनुभव रहा आपका एक तलाश और उड़ान बनाने में? तलाश और उड़ान, इस दो शीर्षक जो मैंने यहाँ इस बुक को दिए, तलाश उस हुनर की, तलाश एक खोज की, जो खोज अक्सर एक शिक्षक अपने छात्रों में ढूंढता है उसी खोज को ढूंढने का एक प्रयास था। बच्चों की जो भी ड्रॉइंग थी उसको और भी क्रिएटिव करके उनका जो हौसला है, वो हौसला, उनकी निखारता, वो सब लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया बनने की छोटी सी कोशिश थी, जिस माध्यम से बच्चों ने इतनी सुंदर चित्रकारिता का प्रदर्शन किया गया है। उस बुक में लगभग 100 पेजेस मैंने जोड़े हैं, जिसमें 50 पेंसिल स्केच और 50 कलर ड्राइंग की कुछ पेजेस है। अच्छा, और आपने इसके पहले भी तीन किताबें लिखी है, तो एक कोई भी किताब का एक सारांश आप बता सके तो? जी हाँ, देखो 2014 से मैंने इसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले जो किताब आई थी सच्चाई हिंदुस्तान की, इस किताब के माध्यम से थोर देशभक्त, क्रांतिकारक और कुछ शबरी जैसे कैरेक्टर जो रामायण में काफी मशहूर हुए थे, और ऐसे कैरेक्टर को फिलहाल की कंडीशन में लुप्त होता हुआ पाया गया, ऐसे कैरेक्टर पर फिर से एक बार प्रकाश डाला गया, जिसमें 120 पेज की किताब बनी थी, जिसमें कुछ फोटोग्राफ्स, और ये भी किताब छात्र सहयोग से बनी थी। उसके बाद जो लास्ट ईयर एक लॉन्चिंग हुई कुछ तो बता जिंदगी, जिसमें 10 हसीन किस्सों का वर्णन किया गया था, और एक आई थी जो जंग सच्चाई हिंदुस्तान की, उसमें 5 बच्चों की एक कहानी दर्शाई गई है, एक फिल्मी स्क्रिप्ट के रूप में बनाई गई थी, जो भ्रष्टाचार विरोधक मुहिम लड़ते हैं, और उसके बारे में इन तीनों किताबों में बताया। 10 किस्से, उसमें से कोई एक किस्सा छोटे से आप स्टार पे इसके दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं? जी हाँ, उसमें एक किस्सा था जैसे कि रिश्ते, एक डोर, एक धागा अनोखा, जिसमें रिश्ते के कुछ टूटते हुए पहलू को जोड़ता हुआ नजर आया, जिसमें माँ ममता प्यार की एक मूर्त, ऐसा एक टाइटल दिया गया था, जिसमें माँ के बारे में एक अजीबोगरीब दास्तान उसमें सुनाई गई थी, और एक उसका अनोखा एक बेहतरीन सा एक किस्सा जो काफी लोगों को पसंद आया, बेटियां क्यों पराई होती है, जो काफी लोगों ने उसको पसंद किया। अच्छा, तलाश करना है बच्चों के हुनर का, तो तलाश और उड़ान आप जब कर रहे थे तो आपको किन बच्चों का सहयोग लगा या फिर किन लोगों ने आपको इसमें सहयोग किया? एक रहता है ना कि कोई भी काम अगर सफल करना है अपने को तो किसी ना किसी का साथ होना जरूरी होता है। जी हाँ, किसी भी कार्य को उद्देश्य तक पहुंचाना है तो काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ती है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा और सबसे अधिक जो मेहनत की वो बालाजी कॉन्वेंट के छात्र 6 to 8 स्टैंडर्ड के जो बच्चे थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा
मेहनत लेकर इस कंसेप्ट को पूरा किया। साथ ही साथ हमारे स्कूल के संचालक डॉक्टर प्रकाश जी नेवलकर सर, इन्होंने भी काफ़ी सहयोग दिया। जब भी कुछ प्रॉब्लम आई तो उन्होंने सॉल्व आउट की। हमारे स्कूल के मुख्याध्यापक टाले मैडम, निखिल साबड़े सर, प्रवीण भोयर सर, इनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। साथ ही कुछ बच्चे जिनके मैं अभी इतने सारे 30 बच्चे थे उनमें, उनके तो नाम लेना पॉसिबल नहीं, सार्थकी मिल मिले, दीप्ति नागपुरे, नूपुर पराते, अंकिता सिंह जैसे बच्चों ने काफ़ी मेहनत ली और अपनी प्रतिभा को वहां पर पेश करने की कोशिश की। अगर मैं आपको ये पूछूं कि आपने अभी जैसा बोला कि 100 चित्र को आपने एक जगह लाया, उसकी किताब बनाए, तो जैसे अपन अगर ये नहीं, मुझे मैंने देखे कि 100 के 100 ही जो ड्राइंग है वो बहुत अच्छे चित्र बनाए, बच्चों ने मेहनत से बनाए, बहुत ही अच्छे बनाए। अगर अपने को किसी टीम को चुनना है, आपको अगर किसी टीम को चुनना है, तो आपको इस किताब में सबसे बेहतरीन टीम ऐसे कौन से ड्राइंग है जिसमें आपको उस बच्चे का एक मतलब क्या सोचता है, उसकी सोच क्या है, या फिर मतलब किताब से वो क्या लोगों को बताना चाहता है, जैसे आपने तलाश और उड़ान जो नाम दिए, ये जो वो तीन ऐसे कौन से ड्राइंग है जिसमें आपको सही में वो तलाश और उड़ान का मतलब यश प्राप्त हुआ ऐसा लगता है? उसमें एक भगवान की तस्वीर, श्री राम जी की तस्वीर बनाई थी, छात्रा 9th स्टैंडर्ड में है अभी, लाडली गौतम इन्होंने, तो प्रभु श्री राम का चित्र इन्होंने जो चित्र रेखाटन किया तो इतना प्रभावित करता है, जब आप मेरी बुक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इतना प्रभावित किया उस चित्र ने कि मानो उसमें एक जान सी रख दी हो। उसके बाद एक हमारे स्कूल की ड्राइंग शिक्षिका काजल वागाड़े मैडम, इन्होंने इस बुक को 4 चांद लगाए, इन्होंने अपने राइटिंग में थॉट्स लिखे हैं, हर पेज को सजाया है। इनके द्वारा बनाया गया एक चित्र शिवाजी महाराज का, वो शिवाजी महाराज का चित्र हुबे यानी इतना प्रभावित करता है कि अलग सा निराला रूप उस चित्र में बताया गया है। और तीसरा अगर आप चित्र मुझसे पूछोगे तो संजीवनी कोसारे इस बच्ची ने बनाया है, एक स्केच बनाया है जिसमें एक जहाज को डूबता हुआ दिखाया गया है। तो ये चित्र, ये तीन चित्र काफी प्रभावित किए इस बुक से। अच्छा, आप क्या मैसेज देना चाहोगे स्टार एपिक्स के जो भी, और स्टार एपिक्स न्यूज़ पे भी बहुत से हमारे ऑडियंस उसमें से छात्र लोग हैं, तो आप क्या उनके ड्राइंग स्किल के बारे में आप क्या उनको उद्देश्य देना चाहोगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि छात्रों के मेहनत से ये सब कुछ हुआ है, और ऐसे छात्र जिनके अंदर कुछ थोड़ी भी स्किल हो उनको डेवलप करना चाहिए, और सभी शिक्षक आई थिंक ये सब कुछ करते हैं, उन बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए। और स्टार एपिक्स के माध्यम से आज ये सब कुछ हो रहा है, तो उन छात्रों ने जो भी मेहनत की, उन सभी छात्रों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनकी मेहनत आज 15 अगस्त के दिन बालाजी कॉन्वेंट स्कूल में इस किताब का इनॉग्रेशन किया गया था, तो सारे बच्चे का बहुत ज़्यादा हर्ष थे, आनंदित थे, उत्साहित थे अपनी इस किताब को देखने के लिए। जो किताब लगभग 8 महीने से चल रही थी, उसका निर्माण कार्य पूरा करने के बाद उनके सामने ये प्रतिकृति रखी गई, तो काफी खुश थे वो तीनों सभी बच्चे। नितिन जी, आपसे बातचीत करके ऐसा लगा कि आपने मतलब जो अभी तक 3 किताबें और आगे भी, अभी ये आपकी लेटेस्ट किताब है, तो इसके आगे आपका क्या प्लान है, इसके आगे आप क्या कर रहे हो, मतलब कोई प्रोजेक्ट काम चालू है, या फिर क्या आपकी प्लानिंग है किताब के बारे में? देखिए, लगभग 4 साल से, पिछले 4 सालों से मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ बालाजी स्कूल कॉन्वेंट में, तो मुझे ये लग रहा है, मुझे लगता है कि शायद मेरे इन कुछ बातों से और भी मेरे शिक्षक प्रभावित हुए हैं, उनकी भी मनोकामना है कि हम भी कुछ ऐसा करें। तो मैं यही, मेरी यही सोच है कि आगे भी कोई इस कार्य को आगे बढ़ाए, और शायद ये मेरी अंतिम किताबें हैं जो मैं यहाँ पर इस 15 अगस्त को रिलीज़ की है। अच्छा, तो इसके बाद अभी आप अभी कुछ नहीं है प्लान आपका? फिलहाल तो कुछ प्लान नहीं है। अच्छा, लेकिन आपने अभी तक जो भी किया, हम अभी तक नितिन कुरुज जी से बात कर रहे थे, इन्होंने बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे किताबें स्टूडेंट के बीच में लाए, जिससे स्टूडेंट का व्यक्तिमत्व विकास हो, मीन्स पढ़ाई के साथ साथ व्यक्तिमत्व विकास की भी कहीं ना कहीं तालमेल हो, या उसकी भी व्यक्तिगत विकास में भी बढ़ोतरी हो, इस हिसाब से नितिन जी ने कार्य किया अभी तक। तो हम स्टार एपिक्स के माध्यम से यही आपको उद्देश्य देना चाहते हैं कि समाज में
मुझसे क्या हो पाए, मैं समाज से लेता तो हूँ, मैं समाज को क्या दे रहा हूँ। अगर ये सवाल हम सब भी सोचे तो नितिन कुरेश जी ने जो काम किया, ऐसे ही हम भी कुछ काम कर सके। तो आप धन्यवाद नितिन कुरेश जी, स्टार्टअप एक्स न्यूज़ पे आपकी एक खास बातचीत, हम लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएंगे। आप आए, आपने आपका समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। देखते रहिए स्टार्टअप एक्स न्यूज़, स्टार कवर। धन्यवाद।